आकाशवाणी है। खबरां दे इस ब्रेटन दे नाल मैं अवतार सिंह ढिल्लों। सब तो पहला खास खबर, उत्तर पूर्वी भारत नूं पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल गड्डी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत रेल गड्डी खिते विच सैर सपाटे नूं हरारा देवेगी ते संपर्क वधाएगी। इसरो ने श्री हरिकोटा तो अत आधुनिक नेविगेशनल उपग्रह NVS-1 सफलता नाल दागया। गृहमंत्री अमित शाह अज मणिपुर के चार दिन दौरे से जा रहे ने। कंबोडिया के राजा नरोदम सिहामोनी भारत के तीन दिन दौरे से नवी दिल्ली पहुंच गए ने। भारत की सरकारी सैक्टर की कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल 4,900 करोड़ रूपये की कीमत का दूजा पन बिजली प्रोजेक्ट अरुण 4 विकसित करेगी। IPL क्रिकेट विच अज शामी अहमदाबाद विच चेन्नई सुपर किंग्स का गुवाहाटी टाइटन्स नाल फाइनल मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही गुवाहाटी विच असाम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी नूं झंडी विखा के रवाना किया। यह रेलगड्डी गुवाहाटी नूं न्यू जलपाईगुड़ी नाल जोड़ेगी। आम दिनां विच यह रेलगड्डी गुवाहाटी तो शामी 4:30 बजे चलेगी ते राती 10 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। मंगलवार नूं छड्ड के यह रेलगड्डी सारे दिन चलेगी। साडे पत्र प्रेरक ने खबर दिती कि यह दोहां थावां नूं जोड़न वाली मौजूदा तेज रफ्तार रेलगड्डी नालों 1 घंटे के सफर की बचत करेगी। यह नवी सेवा 411 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अज कहा कि पिछले 9 साल की सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत विच खेतर की गुंझलदार भूगोलिक बंतर के बावजूद रेलवे नैटवर्क का 1,618 किलोमीटर निर्माण किया। उन्होंने टिप्पणियां वंदे भारत रेलगड्डी झंडी विखा के रवाना करने के गुवाहाटी हुए समारोह के नाल कहियां। श्री वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2014 तो पहला के 2,000 करोड़ रूपये के मुकाबले उत्तर पूर्वली 10,200 करोड़ रूपये के रेलवे बजट नधाने उन्हों की तारीफ की। मंत्री ने कहा कि विश्व श्रेणी के म्यार की बराबरी लिए उत्तर पूर्व कुल 9 रेलवे स्टेशन डिजायन किया जा रहा है। उन्होंने अगे कहा कि गुवाहाटी विचले रेलवे स्टेशन जापानी मॉडल के मुताबिक बनाया जाएगा। इसरो का GSLV F-12 राकेट अज सवेरे 10:42 से श्री हरिकोटा तो पुलाड़ विच सफलतापूर्वक दाग दिता गया है। यह राकेट अपने नाल NVS-1 उपग्रह नूं लैके गया। इस उपग्रह का वजन 2 टन तो वध है ते यह दूजी पीढ़ी के उपग्रहों विचों अपनी किस्म का पहला है। दुनिया के सिर्फ 3 होर देशों कोल अजिहा उपग्रह मौजूद है। इसरो के विज्ञानियों का अज की मुहिम नाल एक होर औखा तजर्बा सफलतापूर्वक मुकम्मल हो गया। केंद्र विच मौजूद विज्ञानिया ने इस उपग्रह की हुण तक की कारगुजारी से खुशी से तसली का इजहार किया है। गृहमंत्री अमित शाह अज तो मणिपुर के 4 दिन दौरे पर होंगे। वो अज शामी इम्फाल पहुंचे। मंत्री स्थिति का जायजा लैण लई ते राज विच अगे हालात आम वांग मुड़ बहाल करन लई अगे चुके जाने वाले कदमां बारे विचार वटांदरा करन लई मीटिंग करनगे। व्यापार ते सनअत दा शारजा चैंबर दोहां देशां दरम्यान पूंजीकारी मौकियां दी भाल लई अज एक कारोबारी मिशन ते भारत आ रिहा। यह उच्च पदरी डेलीगेशन मुंबई ते नवी दिल्ली दा दौरा करेगा ते पूंजीकारी मौकियां दी भाल करन ते सांझी आर्थिक भाईवाली नूं उत्साहित करन लई कारोबारी फोरम कायम करन अते मीटिंगां करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज अंबूजा विच ईगल स्क्वेयर विखे नाइजीरिया दे राष्ट्रपति चुने गए बोला अहमद दी सहुं चुक रस्म विच हिस्सा लैणगे। वह नाइजीरिया के 3 दिन दौरे ते ने। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री का नाइजीरिया का पहला दौरा होगा। भारत नाइजीरिया दरम्यान वध रहे रक्षा सहयोग नूं देखदिआं रक्षा मंत्रालय विच सीनियर अधिकारी ते रक्षा नाल जुड़ियां सरकारी खेतर दीआं अहम कंपनियां दी चोटी दी लीडरशिप भी श्री राजनाथ सिंह दे नाल गई है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नूं अज केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर वजों सहुं चुकाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे उन्हां नूं अहुदे दी सहुं चुकाई। श्री वास्तव 1988 दे बैच दे असाम मेघालिया काडर दे भारतीय प्रशासनिक सेवा दे रिटायर्ड अधिकारी ने। महाराष्ट्र दे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि मुंबई विच बांद्रा वर्सोवा समुद्री रूट का नां स्वतंत्रता वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सगारी सेतु रखा गया। वह कल मुंबई विच स्वतंत्रता वीर विनायक दमोदर सावरकर की
140वीं जन्म वरेगंढ मौके बोल रहे सन। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। कंबोडिया दे राजा नेरोडम सिहामोनी भारत दे 3 दिन दौरे ते अज दोपहर बाद नवी दिल्ली पहुंच गए ने। इत्थे पहुंचण ते विदेश राज मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने उन्हां दा स्वागत किया। ओ कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल दवलियां मीटिंगां करनगे। राष्ट्रपति भवन विखे उन्हां दा रस्मी स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद ओ राजघाट विखे महात्मा गांधी नूं फुल्लां नाल श्रद्धांजलि भेंट करनगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी उन्हां नाल मुलाकात करनगे। राष्ट्रपति मुर्मू अज शामी दौरे ते आए पतवंते दे सन्मान विच सरकारी दावत देणगे। ये दौरा भारत ते कंबोडिया दरम्यान सफारती संबंधां दी 70वीं वरेगंढ दे जशनां दे खत्म होण दे मौके ते हो रहा है। कंबोडिया दे राजा दा दौरा करीब 6 दहाकियां दे बाद हो रहा है। इस तों पहलां यह दौरा 1963 विच मौजूद उन्हां दे पिता वल्लों कीता गया सी। साडे पत्रकार प्रेरक ने खबर दित्ती है कि भारत ते कंबोडिया दे सभ्यता नाल जुड़े सभ्याचारक ते आर्थिक संबंधां ते लोकां तों लोकां दे मजबूत संबंधां ते आधारित निघे ते दोस्ताना रिश्ते ने। नेपाल ने भारत दे सतलुज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड नूं देश विच दूजे पन बिजली प्रोजेक्ट दे विकास नूं इजाजत देण दा फैसला कीता है। मौजूदा समय पूर्वी नेपाल विच अरुण दरिया ते 900 मेगावाट अरुण 3 पन बिजली प्रोजेक्ट दा विकास कम चल रहा है, जो कि 2024 विच मुकम्मल होना तय है। एक सरकारी बयान विच कहा गया कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की प्रधानगी विच इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल IBN की मीटिंग विच पूर्वी नेपाल विच 669 मेगावाट लोअर अरुण पन बिजली प्रोजेक्ट के विकास लई भारत की सरकारी मालकी वाली SJVN नाल दस्तखत किए गए खरड़ा प्रोजेक्ट विकास समझौते नूं मंजूरी दी गई है। यह गतिविधि प्रधानमंत्री प्रचंड के बुधवार नूं होने वाले भारत दौरे तों पहलां हुई है। तुर्की विच राष्ट्रपति रेसिप तायप एरडोगन ने राष्ट्रपति चोण जित ली है ते अपना शासन 3 दहाके तक वधा लिया। एरडोगन ने कल रनऑफ विच विरोधी नेता केमल किलिक डार गोलगू नूं हराया। 99.43% वोटां दी गिनती हो चुकी है। तुर्की दी सुप्रीम चोण कौंसल YSK वलों लाने गए मुढले सरकारी नतीजिया विच एरडोगन नूं 52.14% वोट मिलण बारे कहा गया ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 43.86% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਐਰੋਡੋਗਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 5 ਹੋਰ ਸਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਸਿਪ ਤਾਇਪ ਐਰੋਡੋਗਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੁਰਕੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਗਾਂਤਾ ਬਰਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਲੂਕਬਾਰੀ ਸਥਿਤ ਆਸਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਹ ਇਕ SUV ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੜਕ ਦੇ ਖੜੇ ਇਕ ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ IPL 2023 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ 4 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। IPL ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹਰਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਉਪਗ੍ਰਹਿ NVS-1 ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਰੋਦਮ ਸਿਹਾਮੋਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਦਯੁਤ ਨਿਗਮ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 5900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰੁਣ 4 ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।